अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए आईपीएल सुपर ओवर टूर्नामेंट का मैच नंबर 32 लेके आ चुका हूँ, जो कि है किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच। तो आइए बिना आपका कितनी वक्त ज़्यादा किए सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर, तो आप डाउनलोड कीजिए ड्यू रिकॉर्डर ऐप, लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं टीम लेने वाला हूँ वो होगी राजस्थान रॉयल्स की टीम। पर मेरी ओपोनेंट टीम होगी किंग्स इलेवन पंजाब। मीडियम डिफ़िकल्टी में हार्ड पिच पर खेलूंगा। बैटिंग और बॉलिंग में मैं चेंजिंग करूंगा। बैटिंग में मैं लाऊंगा बेन स्टोक्स को रॉबिन उथप्पा की जगह, डेविड मिलर को संजू सैमसन की जगह। बॉलिंग में मैं चेंजिंग करके लाऊंगा कमाल के बाउंसर किंग जोफ्रा आर्चर को वरुण एरन की जगह। दोस्तों, काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमारी टीम लग रही है। तो गाइस, यहाँ पर टॉस आ चुके हैं और अगर आज हम टॉस जीतेंगे तो हम पहले बॉलिंग करेंगे, क्योंकि पिच हार्ड है तो पहले बॉलिंग करना गलत फैसला नहीं होगा। तो गाइस, आप ओपोनेंट टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया नहीं, हमारी पहली बैटिंग आएगी। बैटिंग में भेजूंगा बेन स्टोक्स और डेविड मिलर को। काफ़ी आला जोड़ी लग रही है, दोनों लेफ्टीज हैं। सामने होंगे कमाल के बॉलर मोहम्मद शमी। पहली बॉल, इसको मैं स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए ट्राई करूंगा। तो गाइस, पहली बॉल परफेक्टली टाइम नहीं हुआ, पर फिर भी यहाँ पर हमें 4 रन मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया यहाँ पर बेन स्टोक्स थे। कप्तान ने फील्ड में बदलाव किया। दूसरी बॉल गाइस, ये भी सेम बॉल है, इसको मैं इस दफ़ा लेग साइड की जाने खेलूंगा। और गाइस, यहाँ पर बेन स्टोक्स बोल्ड हो चुके हैं, ख़राब बैटिंग। अब आएंगे जॉस बटलर और स्ट्राइक पर भी जॉस बटलर ही होंगे। तीसरी बॉल गाइस, हमें बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। इसको मैं बैक साइड की जानिब खेलूँगा, क्या यहाँ पर हमें 6 रन मिल जाएंगे? जी गाइस, यहाँ पर हमें 6 रन मिल जाएंगे जॉस बटलर की जानिब से। काफ़ी आला शॉट, 6 रन के लिए गई। चौथी बॉल, ये गाइस यॉर्कर है, इसको मैं ऑफ साइड की जानिब खेलूँगा, क्या पर हमें एक और 6 रन मिलेंगे? नहीं गाइस, यहाँ पर टाइम परफेक्टली नहीं है, पर फिर भी 4 रन तो मिल जाएंगे। अब हमारा स्कोर हो चुका है 4 गेंदे 14 रन। एक और दफ़ा फील्ड में बदलाव कर दिया गया है। पांचवी बॉल गाइस, ये शॉर्ट बॉल है, इसको मैं लेग साइड की जानिब खेलूँगा। और गाइस, परफेक्टली टाइम डू एयर, यहाँ पर 6 रन मिल जाएंगे जॉस बटलर को। काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं जॉस बटलर। आखिरी बॉल, आइए देखते हैं क्या मैं आखिरी बॉल पर भी 6-4 रन मिलेंगे या फिर नहीं। इसको मैं स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारूंगा। जी गाइस, यहाँ पर हमें आखिरी बॉल पर भी काफ़ी ऊंचा छक्का मिल जाएगा, यानी कि अब किंग्स इलेवन पंजाब को जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे 27 रन। आइए देखते हैं जोफ्रा आर्चर क्या करेंगे। स्ट्राइक पर होंगे सामने केएल राहुल। फील्ड में मैं बदलाव करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फील्ड में बदलाव कर दिया, आप पहली बॉल डालेंगे। पहली बॉल गाइस, ये बॉल परफेक्ट लाइन के बीच, क्या इस पर आउट हो जाएंगे केएल राहुल? जी गाइस, यहाँ पर हमने केएल राहुल को पहली बॉल पर ही आउट कर दिया है। काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा जेदा वनदकत ने। अब आएंगे मयंक अग्रवाल पर, स्ट्राइक पर होंगे यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। दूसरी बॉल गाइस, ये बॉल ख़राब, ये जाएगी 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर, यानी कि आप बिना जीतने के लिए चाहिए 4 गेंदे 21 रन। यहाँ पर एक भी बॉल डॉट बॉल हो गई तो यहाँ पर आ जाएंगे किंग्स इलेवन पंजाब। तीसरी बॉल गाइस, ये बॉल परफेक्ट लाइन के बीचों बीच, क्या यहाँ पर क्रिस गेल आउट हो जाएंगे?
नहीं गाइस, यहाँ पर उन्हें दो रन मिल जाएंगे। अब उन्हें जीतने के लिए चाहिए 3 गेंदों पर 19 रन। वो लोग जीत तो नहीं सकते पर मैच टाई कर सकते हैं 3 गेंदों पर 3 छक्के मारकर। चौथी बॉल गाइस, ये बॉल ख़राब बॉल और ये जाएगी 6 रन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब किंग्स पंजाब वालों को चाहिए 2 गेंदे 12 रन। जो पांचवी बॉल गाइस, ये बॉल भी ख़राब है और यहाँ पर एक और छक्का पड़ जाएगा। आखिरी बॉल किंग्स इलेवन पंजाब वालों को चाहिए आखिरी बॉल पर 7 रन। क्या यहाँ पर जोफ्रा आर्चर आखिरी बॉल परफेक्ट देकर मैच जिता सकते हैं? आइए देखते हैं। और गाइस आखिरी बॉल परफेक्ट लाएंगे बीचों बीच, परफेक्टली टाइम नहीं हुआ है और फिर 4 रन मिल जाएंगे। पर उससे हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम ये मैच जीत चुके हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग की हमारी टीम ने आज। गाइस हम सुपर ओवर जीत चुके हैं, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर कर अपनी पसंदगी के साथ में वीडियो को लाइक करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।